Hello everyone. So we are going to start least cost theory of अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी. 1909 में उनका बुक आया था जर्मन में, दैट उबर टेन स्टैंड डोटेर इंडस्ट्रीज. उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1929 में हुआ, द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. सो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था बाय कार्ल फ्रेडरिक. एंड अल्फ्रेड वेबर का जो ये थ्योरी है उसको हम ऑप्टिमम लोकेशन, लीस्ट कॉस्ट एंड लोकेशन ट्रायंगल थ्योरी भी बोलते हैं. लीस्ट कॉस्ट थ्योरी ये इट स्टडी अबाउट द कोज ऑफ इंडस्ट्रियल रीलोकेशन एंड एनालिसिस ऑफ जनरल रीजनल फैक्टर्स. कि ये स्टडी करता है कि इंडस्ट्रीज़ का रीलोकेशन के पीछे क्या कारण होते हैं, और ये जो उसके पीछे जो जनरल रीजनल फैक्टर्स होते हैं उनका एनालिसिस करता है ऑन द बेसिस. लाइक जो फैक्टर्स है दो तरह के बताया गया, प्राइमरी फैक्टर एंड सेकेंडरी फैक्टर. प्राइमरी फैक्टर हियर आर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड लेबर, सेकेंडरी फैक्टर एग्लोमरेशन एंड डी एग्लोमरेशन फैक्टर. लेटर वी विल डिस्कस अबाउट एग्लोमरेशन, लाइक वॉट इज एग्लोमरेशन, वॉट इज डी एग्लोमरेशन. सो लाइक एवरी जियोग्राफर मेक सम अजम्पशन फॉर हिज थ्योरी. सो अल्फ्रेड वेबर ऑल्सो मेड सम ऑफ दैम आर लाइक ही मेड अजम्पशन. सो वॉट ही नीडेड, सो वाई ही मेड दीज ऑल अजम्पशन, ही ट्राई टू फाइंड आउट दैट मिनिमम कॉस्ट लोकेशन ऑफ ए इंडस्ट्री. सो फॉर दैट ही मेड सम अजम्पशंस. फर्स्ट वन, एरिया इज टिपिकली यूनिफॉर्म एंड आइसोट्रॉपिक. देयर वॉज यूनिफॉर्मिटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट. जो एरिया था वो यूनिफॉर्म था और आइसोट्रॉपिक था, सब जगह एक जैसा, और वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी एक जैसा थे. सिंगल प्रोडक्ट इज़ कंसिडर्ड एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट इज़ डिस्पेच टू सिंगल मार्केट एंड सेल्फ सपोर्टिंग इकोनॉमी, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. तो ये सेल्फ सपोर्टिंग इकोनॉमी थी, वहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था. उसका थर्ड अजम्पशन है कि जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल होता है वो अनइवनली इन स्पेस एट नॉन एंड फिक्स प्लेसेस एट फ्यू लोकेशन अवेलेबल एट इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्रू आउट. सो रॉ मटेरियल है अनइवनली है और सभी जगह कुछ फिक्स प्लेस पर, फिक्स लोकेशन, कुछ ही लोकेशन पर अवेलेबल है और उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्रू आउट सेम है. और उनका नेक्स्ट अजम्पशन है कि जो मार्केट्स है वो पंक्ति फॉर्म में, लाइक पॉइंट्स के फॉर्म में, और वो फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक प्लेस पर है. एंड लेबर है ज्योग्राफिकली फिक्स्ड है बट इमोबाइल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते नहीं है, और अबेडेंटली अवेलेबल एट पर्टिकुलर वेजेस, लाइक जिस दर से वो लोग काम करते हैं वो दर फिक्स है. सो जो उनका वेजेस है वो यूनिफॉर्म है. एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल थ्रू आउट इज फंक्शन लीनियर डिस्टेंस एंड वेट ऑफ मटेरियल्स. जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इक्वल है और फंक्शन करता है इन लीनियर डिस्टेंस में, और जो मटेरियल का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है. सो लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज करता है और इट्स यूनिफॉर्मली एंड प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल ऑफ वेट ऑफ द मटेरियल. सो जितना मटेरियल का वेट होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा. सो हैवी मटेरियल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. उसका अदर अजम्पशन है कि परफेक्ट मार्केट कंपटीशन है, क्योंकि जहाँ वहाँ पे प्रोडक्ट का डिमांड है वो एंडलेन से कभी ख़त्म नहीं हो रहा, डिमांड चलता जा रहा है. एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सिंगल मोटो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सिंगल मोटो है
ईच एंटरप्राइज वुड इनक्योर आइडेंटिकल प्रोडक्शन कॉस्ट. हर एंटरप्राइज है कुछ आइडेंटिकल प्रोडक्शन कॉस्ट इनक्योर करेगा. यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एट ऑल मार्केट, जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मार्केट. सो नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, RM हियर इंडिकेट्स रॉ मटेरियल्स. फर्स्ट इज लाइक यूबिक्विटीज. यूबिक्विटीज आर दोज रॉ मटेरियल्स जो हर जगह उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्व सुलभ. तो ये इजीली अवेलेबल होता है एवरीवेयर थ्रू आउट द यूनिफॉर्म प्लेन एट द सेम कॉस्ट, लाइक वाटर, ब्रिक्स, क्ले एंड लाइक एयर, दैट्स ऑल आर अवेलेबल एवरीवेयर. सो when like raw material is available everywhere, then we can establish the firm near the market. And second one is localized. It's confined only in some selected places on earth, not uniform in nature and distribution. So localized as like sthaniya, that is fixed at particular places. Like hum jante ki koila कुछ ही जगहों पर है, लोहा कुछ जगहों पर है. सो दीज रॉ मटेरियल्स आर फिक्स्ड इन प्लेसेस. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ वेट, अवेलेबिलिटी एंड देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन प्रोसेसिंग. सो लोकलाइज्ड मटेरियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर, एक होता है ग्रूस. सो प्योर लोकलाइज मटेरियल में लाइक प्योर मटेरियल वो होता है कि जो अपना प्रोसेस होने के बाद में अपना वेट लूज नहीं करते हैं, दोज आर प्योर. लाइक कॉटन, कॉटन डजंट लूजेज इट्स वेट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल्सो. सो अनदर वन इज ग्रॉस मटेरियल. इट्स लाइक लोकलाइज्ड कॉमोडिटीज होता है. ये वेट लूजिंग मटेरियल्स होता है. लाइक हमें बहुत सारा आयरन मिला, आयरन से हम कुछ बना रहे हैं, तो वो आफ्टर प्रोसेस उसका वेट लूज हो जाएगा. एंड वी कैन से लाइक वी मेक शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो इट लूजेज इट्स वेट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल्सो. नाउ वी विल बी नोइंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग के 3 steps होते हैं, लाइक असेंबल और प्रोक्योरमेंट. इस असेंबली और प्रोक्योरमेंट में हम इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल, लेबर एंड एनर्जी ETC एक्सेट्रा. सो एंड सेकेंड इज प्रोसेसिंग, इन विच वी इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. देन थर्ड वन इज मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू कंज्यूमिंग पॉइंट. सो पहले में हम इनपुट कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, सेकंड में हम जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, थर्ड में हम जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमिंग प्राइस है वो इंक्लूड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. एंड इन ऑल दीज वी इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द मोस्ट पावरफुल डिटर्मिनेंट for deciding a firm's location, and it depends on a total distance. Like we already studied in a linear pattern, it follows. And weight of the transported material. So because material can be localized, ubiquitous, and in localized also that can be pure and gross. So it depends on that. So Weber also gave another one thing, that is called material index, to find out nature of the raw material. So how can we know about the nature of raw material, whether it's pure or gross? So material index, shortly called MI, we can find out through weight of localized material at processing and weight of the finished product. So jo raw materials hai uska weight and jo finished product hai uska bhi weight ko usse divide karne pe we can find out MI. If material index is below 1, so
दैट विल बी द प्योर रॉ मटेरियल सो वी कैन एस्टैब्लिश द फर्म नियर द मार्केट साइड इफ इट इज़ अबोव वन दैट इज़ ग्रोस सो दैट इज़ वेट लूजिंग मटीरियल सो वी शुड हैव टू एस्टैब्लिश दैट नियर मटीरियल साइड दैट नियर द रॉ मटीरियल एंड इफ इट इज़ अ वन दैट इट्स प्योर इट्स ग्रेटर देन वन देन ग्रोस ओके Weber also gave the theory of locational triangle and the least transport cost theory. So, to find out optimum plant for least transportation cost, it follows the linear pattern that we already discussed. So, in linear, it has like two patterns, linear and non-linear. So, first one linear based on like if we have like one raw material site so that can be ubiquitous so it will be near the market site if it is pure then near the market site if it is gross then it will be near the raw material site then another one is non-linear pattern when we have two or more than two raw materials then we can have the situation like both can be ubiquitous then near the market and if both are pure then near the market if both are gross then near the raw material and intermediate site so here we have the different one like we can have that the site an intermediate point also if one is ubiquitous and one is gross then we can have the near the raw material so here we have such diagrams through which I have tried to show these things so how it will be the on intermediate point we can understand through the locational triangle here it is on rmrm two raw material site and t includes the transportation cost so where will be the transportation cost will be less there will be the location size that we have this here so two raw materials are there so if one is what we had the situation if both are gross okay both are gross so both are weight losing side so where we can establish so we can find out the intermediate point that is here so this is t this is t that is transportation cost this is double of that that is double of the 2t when we like plus these t this t and these t okay or we can do this like t and this 2t okay so total t we have like 2t 2t and 1t that is 5t see 2 2 1 okay so we have this like we have the ways like this one and this one so intermediate point will be here so we can establish the location here that industry here so less transport cost like industry may 2t t and t see this 2t this t and this t that will be the 4t so it will be the less cost so we can establish here here also from this side also it will have the less cost less transportation cost so transportation factor is the major so less transport cost when sites or industry established near the raw material when the raw material is gross if more than one raw material sites then we try to establish intermediating site that we have done here and I have tried to show the situation through these points this circle raw material this is market then this is industry so first one is both ubiquitous then near the market so this is market so industry is near the market and another one like both are pure both are pure then also we have the near the market okay and if both are gross so then we can have this like see this is raw material and both are gross
सो वी कैन एस्टेब्लिश आइदर नियर द ग्रॉस मटीरियल फर्स्ट सिचुएशन नियर द रॉ मटीरियल आई मीन इफ नॉट दैट इफ वी हैव टू टेक रॉ मटीरियल फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइड देन वी कैन एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट लाइक हियर सो वी कैन हैव द लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड वी कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम बोथ and we can get raw materials supply from the both raw material side so industry will be an intermediary point two raw materials like gross and localized ho to industry jo sapekshik bhar par nirbhar karti hai that means jo weight hota hai us par depend karti hai like आयरन इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दिस इज़ रॉ मटेरियल साइड दिस इज सेकेंड रॉ मटेरियल साइड एंड हियर इज़ मार्केट सो इंटरमीडिएट पॉइंट कैन बी हियर ऑल्सो सो इस इंडस्ट्री इज़ हियर सो डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द मटेरियल हियर द लाइक बेकरी इंडस्ट्री सो this is weight losing industry this is weight aiding industry bakery industry this adds the weight in that product so it's like intermediate point will be near the market so we can have three on the distance will be the equal and it will be the near the market so we can have profit from market and raw materials from the both third Weber talked about labor factor cost Weber gave a greater role to labor cost in relocation of industry he gave the theory he gave the word that I should open he mentioned it a line connecting points of equal total transport cost we studied it before while we gave T.M. Smith's story he gave isoplex now he is giving isodopin so isotim a line of equal transport cost for any product or material okay isodopin equal total transport cost okay connecting points okay here isotim equal transport cost for any product or materials so location pattern we study linear and non-linear linear is when industry is situated between market and one raw material non-linear becomes like when industry is situated between market and more than one raw material sites that we have already seen now labor factor cost total savings of the area due to cheap labor cost exceeds the savings of another region due to transport cost advantage industrial location shift from least cost to least labor cost so in relocation of industry it can be relocated if transport cost is least at a place but labor cost is high so to manage that thing if industry is relocating that can be relocated to least labor cost apart from this productivity of labor also changes from one place to another here is high productivity so total labor cost per unit is lower equal wages that Weber talked less productivity so total labor cost per unit higher so from this to this we can relocate the industry to calculate the effect of labor cost on the location of manufacturing units they introduced isotims Weber introduced isotim so cost of the product either raw material or finished product that is isotim okay so here the cost of product that is point you can see so see these lines those are isotims okay
एट द लाइक वेयर वी कैन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री दैट आर द इंटरेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस. सो हियर वी आर वी कैन एस्टैब्लिश द इंडस्ट्री. सो सी दीज ब्लैक लाइन्स दैट आर लेबर कॉस्ट. ओके दैट इज 25, दैट इज 5. ओके देन दिस 30 दैट वी आर टेकिंग इंटरवल्स फॉर शोइंग दिस लेबर कॉस्ट. देन दीज आइसोडोपन टेक्निक प्लस एरिया ज्वाइनिंग फॉर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट. दिस इज टी कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ओके सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट वेयर इट इंटरेक्ट्स. ओके हियर इट इंटरेक्ट्स. सो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट इट इज कनेक्टिंग ए लाइन दैट इज आइसोडोपिंग. सो सी दैट वॉज 5 एंड दिस वॉज 25. वी केम फ्रॉम हियर एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. सो 5, 25 and 5 इट इंक्लूड्स 30. सो दैट हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज थ्रू लो लेबर कॉस्ट एंड हाई लेबर कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज थ्रू लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. That is the thing Weber wanted to tell through the isodopane. And now critical isodopane, the cost of a good increase with the transport cost. Critical isodopane is isodopane where this increase is exactly offset by the cheaper labor. The thing I have told you, agar labor kahin pe zyada ho raha hai to wahan pe kam transport कोस्ट की वजह से हम जो लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं. और कहीं पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ पे कम लेबर कॉस्ट की वजह से उस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. सो ये वो इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी ऑफसेट बाय चीपर लेबर. नाउ आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट अबाउट एग्लोमरेशन. So agglomeration is nothing like there are industries A, B and C. So when their service area this and this, so when these all increases and when it interacts with each other, so there will be a region which will have profit from all these industries. That will be the cluster of plants, or that will be money saving because it will get service from this point, this point, this point. This is called agglomeration. So and this is area where industries and boundaries overlap, where it dependent industry dependent on each other. Several area mutually conquer the area, mutual cooperation is there. Agglomeration is the money saving per unit and not producing internal scale economies but rather external economies. It including urbanization economies. It is realistic concept and possible relocation. So industry can be relocated from here to here, here to here, here to here, because it will get a profit from all the three services. That's the industrial location Weber talked about. So so the major things we have to keep in mind is Alfred Weber's theory is least cost theory, that we also call locational triangle. It try to find out optimum location and relocation of industries. It depends on least cost. And his book came in 1909, English translation in 1929. That is the theory of location of industries. And then it gave material index, and it talks about relocation of industries about raw material, transport cost and labor cost and agglomeration. That we have to keep in mind. Thank you all.